वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं Gaadiwaadi.com के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं अपाचे आरटीआर 164V का। ये अपाचे आरटीआर का कार्बोरेटर वर्जन है, डबल डिस्क में ये आता है और इसकी कीमत है 84,490 रुपीज़। इससे नीचे भी एक एंट्री लेवल वर्जन आता है जिसमें आपको सिंगल डिस्क वेरिएंट है और उसकी कीमत है 81,490 रुपीज़। और इसके ऊपर एक वेरिएंट और आता है जिसमें EFI है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, उसकी कीमत रखी गई है 89,490 रुपीज़। अगर बात करें इसकी स्पेक्स की तो मैं आपको जल्दी जल्दी वो भी बता देता हूँ। इस बाइक में आपको 159cc का फोर वॉल इंजन मिलता है जो तकरीबन 16.5 PS की पावर और 14.8 Nm टॉर्क डिलीवर करता है। लेंथ इस बाइक की 2050 mm की, हाइट है 1050 mm की, विड्थ इस बाइक की है 790 mm की और व्हील बेस इस बाइक का है 1357 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस ये बाइक 180 mm का ऑफर करती है और इसकी सैडल हाइट 800 mm की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक की आती है 12 लीटर्स की। कब वेट इस बाइक का ड्रम वेरिएंट का है 143 kg का, तो डिस्क वेरिएंट का 145 kg का है। सस्पेंशन इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है तो रियर में आपको मोनोसोक मिलता है। फ्रंट ब्रेक इसमें 270 mm के पैडल डिस्क है, रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है और आपको 200 mm का पैडल डिस्क का ऑप्शन भी मिलता है रियर में। वहीं इसके टायर साइज फ्रंट में 90x90 17 इंच के मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक वर्जन में 110x80 17 इंच के हैं और डिस्क वर्जन में रियर टायर 130x70 17 इंच का है। फ्यूल इकोनॉमी क्या है वो आपको इस वीडियो के अंत तक पता लग जाएगा। इस बाइक को हम चलाने वाले हैं दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक कंडीशंस में, लगभग 200 से 300 किलोमीटर चलाएंगे हम इसको। इसका फुल टैंक हमने करवा लिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसका फुल टैंक है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। और बाइक का जो ओडो है वो है अभी 563.5 किलोमीटर के ऊपर और ट्रिप को हमने कर दिया है जीरो। तो अब हम इसको लगभग 200 से 300 किलोमीटर चलाएंगे और उसके बाद आपको बता पाएंगे कि इसकी एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी कितनी निकली है। और अगर आपको इस बाइक का फर्स्ट राइड रिव्यू भी देखना है तो आप ऊपर इस लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। इसको हमने TVS के हजूर वाले प्लांट में चलाया था कुछ महीने पहले, वहीं इसको हम कंपेयर करने वाले हैं सुजुकी की जिक्सर और यामा FG के साथ में भी, और वो वीडियो भी हम कुछ दिन बाद अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर दें। और अब शुरुआत करते हैं इस बाइक के माइलेज टेस्ट के साथ में। तो फाइनली दोस्तों हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के फाइनल पार्ट के ऊपर, इस माइलेज टेस्ट के वर्डिक्ट पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों लगभग 250 किलोमीटर चलाया है हमने इस बाइक को इस माइलेज टेस्ट के दौरान। जब हमने माइलेज टेस्ट स्टार्ट किया था तो इसका ओडो था 563 किलोमीटर के ऊपर और अब यह 800
13 किलोमीटर के ऊपर, तो एग्जैक्टली 250 किलोमीटर चलाया है हमने इस बाइक को, और उस 250 किलोमीटर के लिए बाइक ने 5.25 लीटर का फ्यूल लिया है, तो उस हिसाब से जो फ्यूल इकोनॉमी निकली है वो निकली है। दोस्तों चलाने में काफी अच्छी है, काफी स्मूथ है, हैंडल बार की पोजीशनिंग काफी ऊपर की गई, तो आपको काफी कंफर्टेबल राइड मिलती है। सीटिंग कंफर्ट राइडर और पिलियन दोनों के लिए काफी अच्छा है इस बाइक का। हालांकि कुछ कमियां मुझे लगी, एक तो इसका जो टर्निंग रेडियस है वो शायद पहले से कम किया गया है, काफी परेशानी होगी अगर आप एकदम से कोई टर्न लेते हैं तो। और उसके अलावा एक जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो पहले के मुकाबले उतना लाउड नहीं है, मुझे पहले वाला एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा पसंद था। वहीं थ्रोटल रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो शायद आरटीआर कहना इसको अब जायज नहीं होगा, इसको आप अपाचे 164 भी बोलेंगे वो ज़्यादा जायज रहेगा इस बाइक के लिए। और दोस्तों आपसे और बाइक का टेस्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी बाइक की एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी जाननी है। दोस्तों अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बाइक का फर्स्ट राइड रिव्यू आप कार्बोरेटर और FI दोनों वर्जन्स का आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा आपको, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी के साथ आपका होस्ट गौरव यादव इस वीडियो में आपसे विदा लेता है, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।